एक बार फिर रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार इसकी अगली कड़ी के साथ में हाजिर है आपका दोस्त प्रशांत नासेरी। रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार इस सीरीज को देखने वालों के लिए एक बहुत ही फिर से एक बार अच्छी खबर है। खबर यह है कि भाई वैसे हम सीजन वन के धीरे धीरे हम उस आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने किशोर दा का बर्थडे हमने पूरा वीक सेलिब्रेट किया था अगस्त महीने में, वैसे ही भाई ये तो अक्टूबर महीना है और हमारे सबसे चहेते आर्टिस्ट अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे है इसमें, तो भाई ऐसे उनको कैसे छोड़ देंगे। तो आने वाली वीक में 9 अक्टूबर से हम पूरा वीक जो रहेगा पूरा हफ्ता वो किशोर दास सिंग्स फॉर अमिताभ बच्चन, ऐसे क्लासिक गीत होंगे, कुछ बहुत मस्ती वाले होंगे, कुछ बहुत क्लासिक होंगे, लेकिन जैसे हम रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार की जो हमारी जो कोशिश है कि भाई ऐसे गीतों को पेश कर रहे हैं जो कम स्टेज पे आते हैं, वैसे उसमें मैक्सिमम गीत वैसे होंगे लेकिन आपकी पसंद के गीत हैं, तो तैयार रहिए किशोर दास सिंग्स फॉर अमिताभ बच्चन जल्दी ही। मुझे बहुत खुशी है कि इस कड़ी में बहुत सारे ऐसे नाम ऐसे मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो जिन्होंने किशोर दा के साथ में काम किया है, उन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ में काम किया है या उन्होंने इस सब्जेक्ट पे काम किया है। तो मुझे बहुत खुशी है आज हमारे साथ में हैं इंदौर के श्री संजय पटेल जी, एक बेहतरीन आवाज भाषा और अंदाज के मालिक। नमस्कार, प्रशांत नासेरी के बहुचर्चित कलरफुल बहुत संजीदा और बहुत म्यूजिकल इनिशिएटिव रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार की एक और कड़ी लेकर आपसे मुखातिब हूं। इंदौर में रहता हूं और किशोर दा की जन्मस्थली खंडवा से तकरीबन 150 किलोमीटर दूरी पर मेरा शहर है, वही शहर जहाँ पर किशोर दा ने अपने कॉलेज की पढ़ाई की और अपना अच्छा खासा समय उन्होंने यहाँ बिताया। रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार को लेकर प्रशांत नासेरी ने एक अलग तरह का नज़रिया हम श्रोताओं के सामने पेश किया है, वो ये कहने में समझाने में और शायद कन्विंस करने में हमें कामयाब रहे हैं कि प्लेबैक सिंगिंग चित्रपट संगीत बहुत सारे शेड्स लेकर चलता है। यह अलग बात है कि ज़माना किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम में किसी गायक या किसी कलाकार को फिक्स कर देता, ऐसा नहीं है। एक प्रोफेशनल काम है प्लेबैक सिंगिंग और उसके लिए जैसी ज़रूरतें म्यूज़िक डायरेक्टर निकालता है वो आपको डिलीवर करना ही है। प्रशांत ने पहली बार किशोर दा के इस जॉनर को पकड़ के और हमारे सामने ऐसी बेशकीमती रचनाएं पेश की जिनका जवाब नहीं। आज जो गीत आया है वो फिल्म तपस्या से है और वाकई इसमें प्रशांत की स्वर तपस्या आपके सामने जाहिर होती है, जिस एफर्टलेसनेस के साथ में उन्होंने इस गीत को डिलीवर किया है, क्या बात है प्रशांत भाई, वाह क्या बात। गीत ही बहुत संजीदा है क्योंकि ये तो रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार की बात हो रही है और इसमें संजीदा गीतों की लड़ी पिरोई गई है। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे, चाहे कितनी भी लंबी हो रात दिया बन जलते जाना रे, कितना मैसेज है। कई गीत हमारे जहन में इस गीत को सुनते हुए आ जाते हैं, हमारे स्पिरिचुअल सॉन्ग्स या हमारे रूहानी जमीन पर गाए गए गीत या प्रार्थना गीत, है मालिक तेरे बंदे हम इतनी शक्ति तो देना दाता, या फिर हमको मन की शक्ति देना अल्लाह तेरो नाम, ये सारे गीत कथा की बनावट में जिसमें कि पेड़ हीरो हीरोइन उनकी मोहब्बत या उनकी ठिठोली उससे हटकर जीवन का एक सच्चा संदेश एक फलसफा रच देते हैं हमको दर्शन शास्त्र की ओर। और एम जी हशमत साहब ने इस गीत को लिखा है और क्या कमाल की उन्होंने इसमें पंक्तियां लिखी है। मुझे वो पंक्ति इसमें इस गीत में बहुत अच्छी लगती है, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम ना आया, सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया, चाहे कोई कितने भी फल तोड़े उसे तो उसे उसे उसे
उसे तो फल देते जाना रे, यानी वो कामना एक 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 निर्विकार भाव, एक 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 निश्चल भाव और निष्काम भाव, आध्यात्म का निष्काम, कि कोई कितने ही फल तोड़े उसे तो है फलते जाना। वो दाता भाव जो होता है ना, देने का भाव, तो मराठी मध्ये म्हणतात ना देनगी, ये देनगी है परमात्मा की, ये जो सृष्टि है, ये संसार और ये जो मनुष्य है, सो जिसको कहते हैं ना कि हैप्पीनेस ऑफ गिविंग, देने की खुशी, उसको जाहिर करता है ये गीत। और रविंद्र जैन के संगीत की क्या बात है। दादू कलकत्ता में भी रहे अलीगढ़ से निकलने के बाद में, अलीगढ़ जहां उनको शायरी का रंग चढ़ा, और कलकत्ता में तो बाउल संगीत, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का रचा हुआ रविंद्र संगीत, उन सब की वाइब्रेशंस उनके अंतस में पहुंची। और हमेशा ध्यान रखिएगा, गायक हो, कवि हो या संगीतकार हो, सुनते रहिए सुनते रहिए, वो जज्ब हो जाता है आपके दिमाग में, एक लाइब्रेरी परमात्मा ने आपके दिमाग में बना रखी, उसका प्रकटीकरण होता है। प्रशांत भी अपने जहन में एकत्र किए हुए बहुत सारे जज्बातों को लेकर अब एक नया तेवर और रंग लेकर हमसे मुखातिब हुए हैं। उनके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, उसे लाइक कीजिए, मित्रों से शेयर कीजिए, क्योंकि सालों में कभी कभी इस तरह के गीत हमको सुनने को मिलते। बहुत सारे गीत जो होते हैं ना, हम स्टेज शोज में नहीं कर पाते, लेकिन जब आप हमसे रूबरू हैं, यानी जो रविंद्र जैन ने कंपोज किया, जो एम जी हशमत साहब ने लिखा, किशोरदा ने गाया, और फिर प्रशांत नासेरी उसको जब आपको सुना रहे हैं, तो भाई आप भी तो उसी मन से सुनने वाले लोग हैं ना, तो हमें मालूम है कि आप भी बहुत संजीदा श्रोता हैं। ऐसे श्रोताओं को मिलना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती किसी कलाकार के लिए। तो बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं, रेयर जेम्स ऑफ किशोर कुमार, और सुनते हैं, जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। मैं भी चलता हूं। चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। ओ कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। पेड़ का साया पेड़ के काम आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम आया, अरे सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो, कोई कितने ही फल तोड़े, राही चलते जाना रे।
अपनी कहानी, ये दर्पण बोल रहा है। ओ तेरी अपनी कहानी, ये दर्पण बोल रहा है। भीगी आग का पानी हकीकत खोल रहा है। ओ जिस रंग में ढाले उसी राह पे राही चलते जाना रे। जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते हो। जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते। जहां चल देते हैं अपने भी छोड़ के नाते। कहीं धीरज छूट न जा संभलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। तेरे प्यार की माला कहीं जो टूट भी जाए हो। तेरे प्यार की माला कहीं जो टूट भी जाए। जन्मों का साथी कहीं जो छूट भी जाए। दे दे कर छूटी चलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। ओ कितनी भी लंबी रात और हो कितनी भी लंबी रात। दिया बन चलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। Oh,